नमस्कार, मैं हूं आपका नवीन। अपनी लिखी कहानी प्रतियोगिता के साथ बड़ी ही विनम्रता के साथ आपको बताना चाहूंगा कि इस कहानी को पिछले वर्ष प्रतिलिपि के द्वारा बाल कहानी प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार मिला था। इसलिए अनुरोध करूंगा कि बच्चों को भी यह कहानी सुनाएं और पढ़ाएं। एक शहर में 11वीं 12वीं के बच्चों को परखने की प्रतियोगिता हुई। जगह जगह बैनर लग गए। प्रतियोगिता के नियम बहुत स्पष्ट नहीं थे, जैसे सवाल किस विषय में होगा, मौखिक या लिखित, शारीरिक दौड़ लगानी पड़ेगी या कोई पहेली सुलझानी पड़ेगी। प्रतियोगिता शब्द सुनते ही बहुत सारे माता पिता और अभिभावकों के कान खड़े हो गए। उनके मन में लड्डू फूटने लगे। किसी भी कीमत पर उनके बच्चे को ही अव्वल जो आना था। सारे घरों में बच्चों की तैयारियां शुरू हो गई। अब जब प्रतियोगिता का दायरा व्यापक हो तो पढ़ाई भी खूब करनी पड़ेगी। घर में बच्चों के दूध में पौष्टिक पाउडर का अनुपात अपने चरम पर चढ़ गया। बच्चों की नींद हराम हो गई। उनको उस लकीर पर सावधानी से चलना पड़ा जिसको हम समय सारिणी कहते हैं। खेलना कूदना तो दूर, उनका अपने मन से हिलना भी दूभर हो चला। लेकिन बच्चों को मोबाइल में गेम खेलने के लिए पहले से अधिक छूट थी। बच्चों को माता पिता की इस उदारता का कारण समझ नहीं आया। दोस्तों से मिलना ईद का चांद हो गया। लेकिन यह सब पहली बार नहीं हो रहा था। पहले की भी प्रतियोगिताओं के लिए उन पर ये मेहरबानियां हुआ करती थीं। प्रतियोगिता का दिन जैसे जैसे निकट आता गया, माता पिता की व्याकुलता के बादल बच्चों पर बरसते गए। अब बारी नुस्खों की। तुम ऐसे करना, सवाल न आए तो समय व्यर्थ न करना, अगले पर ध्यान लगाना, कछुआ नहीं रॉकेट की तरह चलना। परीक्षा की घड़ी आ गई। सारे प्रतिभागी सभागार के मंच पर रखी कुर्सियों पर बैठे। अभिभावक नीचे दर्शक दीर्घा में विराजमान हुए। उनको बताया गया कि प्रतियोगिता उनके बुद्धि की ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व की भी परीक्षा थी। जब से वे उस प्रांगण में प्रवेश किए थे तभी से ही उनका मूल्यांकन शुरू हो गया था। अभिभावकों को यह व्यक्तित्व वाली बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उनके साथ धोखा किया गया हो। भला बच्चों की भी ऐसी कोई परीक्षा लेता है? इससे पहले तो कभी ना हुई। ऐसा था तो पहले बताते। सारे लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करने लगे। कानाफुसी शुरू हो गई। कईयों ने तो प्रतिभाग न करने की भी इच्छा जाहिर की, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। अब देखना यह था कि तीर कहाँ निशाना लगाता है, स्वर्ण पदक या कुछ पाठ पर। सवालों का दौर शुरू हुआ। हर प्रश्न के अंक अलग थे। शुरुआत के सवाल आसान कम अंकों वाले होते और आगे जाते जाते धीरे से कठोर और भारी अंकों वाले हो जाते। जो सबसे पहले और सही जवाब देगा उसी को अंक मिलेंगे। प्रश्नों का काफिला सामान्य ज्ञान से शुरू होकर गणित की तंग गलियों से गुजर रहा था। दर्शक दीर्घा में बैठे तेज बच्चों के अभिभावक अपने अपने बच्चों की बुद्धिमत्ता पर फूले न समा रहे थे। वही पीछे चल रहे बच्चों के अभिभावक बुद्धि दौड़ को देखकर अपनी कुर्सी के किनारे पर बैठ गए। हाथ माथे पर अनायास जा रहा था। गंभीरता इतनी जैसे उनको सांस ने भी भुला दिया हो। भूगोल और इतिहास के भी पड़ाव आए और गुजर गए।
अंक तालिका में जो बच्चे आगे चल रहे थे वो प्रश्न दर प्रश्न आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन प्रथम और दूसरे स्थान के बच्चों में एक दूसरे को आगे पीछे करने की मानो होड़ सी लगी हो। ठीक वैसे ही जैसे हाईवे पर अपरिचित गाड़ियों की रेस लग जाती है, अश्वत और आकाश पहले दूसरे स्थान पर अपनी बुद्धि का घोड़ा दौड़ाए जा रहे थे। पहेलियों की बारी सबसे अंतिम में आई। पहेलियों के सिलसिले के बीच में अचानक एक अंधा बच्चा उन प्रतिभागियों के सामने से गुजरा। उसके आंखों पर काला चश्मा और हाथ में एक वॉकिंग स्टिक थी। सबका बगुल ध्यान अगली पहेली पर था। उस अंधे बच्चे का सामने से गुजरना बहुतेरों ने थोड़ा बहुत देखा, किंतु नजरअंदाज करते हुए। फिर अचानक वह बच्चा ठोकर खाकर धड़ाम से गिर पड़ा। बच्चे हंस पड़े। गिरा हुआ बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मंच पर बैठे सारे बच्चे अगली पहेली की राह देख रहे थे, सिवाय अश्वत को छोड़कर। अश्वत अगर इस पहेली को सुलझा लेता तो अपनी प्रथम स्थान की बढ़त को बरकरार रख पाता। उसने दौड़कर गिरे हुए बच्चे को उठाया और उसको लाकर अपनी सीट पर बैठाया। उधर उसकी पहेली सुलझाने का समय भी बीत गया और आकाश का नाम अंक तालिका में सबसे ऊपर हो गया। आकाश के माता पिता खुशी के मारे झूम उठे। आकाश भी मगन था। अचानक प्रतियोगिता भी समाप्त हो गई। अब बारी आई विजेताओं के नाम घोषित करने की। सबकी अपेक्षाओं के प्रतिकूल प्रथम स्थान आकाश को न मिलकर अश्वत को मिला। सब लोग बड़े हैरान हुए। अश्वत भी आश्चर्यचकित था, वो तो दूसरा आया था। सबकी आशंकाओं को दूर करने के लिए आयोजक महोदय ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि शुरू में ही स्पष्ट किया गया था, प्रतियोगिता बुद्धि और व्यक्तित्व दोनों की थी। जब अश्वत और आकाश बुद्धि में समानांतर थे, तभी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए नकली अंधे बच्चे का नाटक किया गया। अश्वत बुद्धि और व्यक्तित्व दोनों में ही अव्वल रहा। फिर उन्होंने अश्वत के माता पिता को भी बुलाया। अश्वत से पूछा गया, वह क्यों अपने पिछड़ने की परवाह किए बिना अंधे की ओर दौड़ पड़ा? अश्वत, डैडी मुझे उसैन बोल्ट की एक कहानी सुनाते हैं। उस कहानी में ओलंपिक में दौड़ की शुरुआत में ही बगल वाला धावक गिर पड़ता है। बोल्ट जो कि विश्व विजेता रह चुके हैं, उन्होंने आगे दौड़ने के बजाय उस प्रतिभागी को उठाया। वो दौड़ में कोई स्थान न पा सके, लेकिन उन्होंने सबको सिखलाया, मानवता को पछाड़कर मेधा जीत नहीं सकती। किसी को सहायता करने से बड़ा पदक कौन सा हो सकता है? मेरी प्रेरणा इसी कहानी से मिली। अश्वत के जवाब ने सबके दिमाग में ही नहीं बल्कि दिलों में भी उसको अव्वल दर्जा दिला दिया। तो ये थी कहानी प्रतियोगिता। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।